भैया बायोपिक में जुड़ गई है एक और मूवी ठाकरे। तो ठाकरे जी के जीवन में इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई है, इतनी सारी घटना घटी हैं कि सब कुछ दो घंटे में समेट पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी संजय जी ने कोशिश की, मुख्य मुख्य तथ्यों को फिल्म में शामिल किया। उनके इस प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। फिल्म मुझे बायस लगी, इसमें ठाकरे जी के जो इमेज है उसे बिल्कुल वाइट दिखाया गया है। फिल्म का जो मुख्य जो फोकस है, किस तरह उसको पेश किया, वो ये कि एज ए हीरो और मराठियों के मसीहा, सिर्फ इसी को फोकस किया गया है। जबकि वो पिता भी हैं, पति भी हैं, इन सब चीज़ों को भी छुआ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यदि आप ठाकरे जी के फैन हैं तो आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिन सवालों से उनका जीवन घिरा रहा था, जबकि लोगों को वो सब पता है, लेकिन वही सवालों के जवाब सफाई देती नजर आती है फिल्म। जैसे लोकतंत्र पर उनका भरोसा क्यों नहीं था, गैर मराठी को महाराष्ट्र से क्यों बैन करना चाहते थे, इमरजेंसी को क्यों सपोर्ट किया, हिंदुत्व को एजेंडा क्यों बनाना चाहते थे, ये सब सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिल जाते हैं। और फिल्म में एक कार्टूनिस्ट से वो कैसे बाला साहब ठाकरे बनते हैं, ये सारा सफर दिया है। फिल्म शुरू होती है एक कोर्ट से जहां पर उनको आरोप लगा है कि बाबरी मस्जिद में उनका हाथ था कि नहीं, और आरोप दर आरोप लगते रहते हैं और फिल्म इस तरह बढ़ती रहती है। अब फिल्म में जो मेन फोकस है 50-60% जो सीन है वो एज ए स्टारडम ही पेश किए गए हैं। अब चाहे बाबरी मस्जिद का गिराना हो या दंगों में हाथ हो, तो फिल्म में 50-60% सीन जो है स्टारडम को लेकर ही दिए गए हैं। आधी से ज्यादा फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है। अब बात करें एक्टिंग की, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भाई क्या फाड़ एक्टिंग की है। मैं कही क्यों रहा हूँ, फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो थे ही नहीं, बाला ठाकरे ही थे भाई। वो भाव भंगिमाएं, वो अदाएं, वो बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, यानी खुद में समा लिया उन्होंने बाला ठाकरे को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भैया सैल्यूट है, वैसे भी वो अच्छी एक्टिंग करते हैं और इसमें भी गजब की एक्टिंग की है। फिल्म में डायलॉग मिलेंगे आपको सीटी मार ताली मार। फिल्म में आपको मीना ठाकरे का रोल निभाया अमृता राव ने, जो कि जितना भी उनको रोल दिया उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। बाकी कोई कैरेक्टर ना तो याद रहता ना जरूरत है, नवाज बहुत हैं, वो दिखते रहते हैं तो आपको सुकून मिलता रहता है सुनने में, देखने में आपको बिल्कुल मजा आएगा, आप उसको देख के उनको देख के बोर नहीं होते हो। तो ये फिल्म में आपको दिखाया गया है। अब फिल्म मुझे बायस लगी, फिल्म में ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भैया शिवसेना बनाने की जरूरत उनको क्यों पड़ी, और चुनाव आ रहे हैं, शिवसेना को मदद भी मिल सकती है। तो फिल्म मुझे बायस लगी, डायरेक्टर द्वारा जो भी पेश किया गया है, सीन मान लो, डायलॉग मान लो, हर वक्त जो सीन बार बार दिखाए जा रहे हैं, बार बार डायलॉग बताए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है डायरेक्टर हमसे जबरदस्ती कुछ मनवाना चाह रहा है, ऐसा आपको फील आएगा फिल्म को देखते वक्त। सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है और जो बाला ठाकरे के फैन हैं उनको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। जो बाला ठाकरे के जीवन में ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जो ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो फैन नहीं है, उनको ये फिल्म बहुत नॉर्मल सी लग सकती है। मैं फिल्म को देना चाहूँगा 5 में से 2.5 स्टार। जय माता दी। हम सारी बातें जाने फिर।